सब्सक्राइब कीजिए एक्यू टेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास एएमडी में एरर आ रहा है, एएमडी ड्राइवर टाइम आउट एरर हैज अकर्ड, तो इस एरर को जो है कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों आप जो है सबसे पहले एएमडी की जो है सेटिंग ओपन कीजिए, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको जो यहाँ पर शो मोर के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं एएमडी रेडियन सॉफ्टवेयर, तो आप जो इसको क्लिक कर देना है, यहाँ पर एएमडी की सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर होम वाले टैब में आना है, फिर आपको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक फॉर अपडेट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर एएमडी का ड्राइवर जो है अपडेट नहीं है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सेटिंग का जो आइकन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राफिक की जो सेटिंग है, यहाँ पर ग्राफिक वाला टैब, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपको जो यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर और स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट शेडर कैच है, तो आपको जो है इसको रीसेट कर देना है। फिर आपको जो है ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है एएमडी की सेटिंग को जो है क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज ए पावर प्लान के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ए पावर प्लान के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस जो है सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है वो सेटिंग को जो है क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक कर यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। डिवाइस मैनेजर जो है ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर एएमडी ग्राफिक कार्ड के जो ड्राइवर है, आपको जो है उसको राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसके जो ड्राइवर्स है वो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद भी अपडेट नहीं होगा तो आपको और एक बार से राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज माय कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करने के बाद लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर यहाँ पर ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, इसके ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप को जो है एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इजीली एरर जो है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।